Amongst H2O, H2S, H2SE and H2TE, the one with the highest boiling point is. Now guys, आपको एक मैं concept बताता हूँ. जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, एक मैंने एक वीडियो अभी बनाई नहीं है, अभी बनाऊंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा. वैसे हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर में भी वो बहुत यूज होती है. सो जब भी आपका बॉइलिंग पॉइंट या जैसे इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं कि ये मोर स्टेबल है, जैसे ऑर्गेनिक में भी आपका पूछा जाएगा कि ये इन कंपाउंड्स में ज्यादा स्टेबल कौन सा है, राइट गाइस, ज्यादा स्टेबल है मतलब कि कम हीट से वो बॉयल नहीं हो रहा है या कुछ उस पर अफेक्ट नहीं हो रहा है, ज्यादा हीट रिक्वायर्ड है. सो इस केस में आप हमेशा गाइस एक कैच रहता है, इस केस में डायरेक्ट कुछ यूज नहीं होता उसमें. आप हमेशा है ना, सबसे पहले इन टाइप के क्वेश्चन में ये देख लें कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं बन रही है. नाउ गाइस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली क्या है ना, बहुत ही ज्यादा एक वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, राइट, वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिक्यूलर फोर्स होती है, राइट right? और इसकी वजह से अगर देखे दो मोलिक्यूल हैं, इनके बीच में अगर इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो रहा है, तो इसका मतलब इन मोलिक्यूल्स को बॉयल करने के लिए या इनके बीच की डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए, ताकि थोड़े सेपरेट होने शुरू हो जाएं, आपको हीट देनी पड़ेगी, राइट right? अब जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनकी फोर्स होगी, उतनी ज्यादा आपको हीट देनी पड़ेगी. यानी ग्रेटर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ग्रेटर विल बी द, या कहूं तो ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ दिस अट्रैक्शन, ग्रेटर विल बी द अपना बॉइलिंग पॉइंट. नाउ अब देखिए, बॉइलिंग पॉइंट के ये तो हो गया, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग में क्या होगा. देखिए, आप एक ऑर्डर याद कर लीजिए, फोन, राइट, फोन, F4 फ्लोरीन, O4 ऑक्सीजन एंड N4 नाइट्रोजन. अगर आपके किसी भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड में इस तरह से जुड़े हो कि H और F, ये HF कुछ भी है, कोई भी, मतलब फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, कोई आपका एलिमेंट है जिसमें इन हाई जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है, इनसे अगर H जुड़ा हुआ है, राइट, सो क्या होगा, सिमिलरली इन तीन एलिमेंट्स में से, सपोज मैं एच एफ का एग्जाम्पल ले लेता हूं आपको, है ना, और इन एफ से ही जुड़े हुए अगर ये एलिमेंट, सपोज एफ ओ एन, या तो फ्लोरीन होगा या नाइट्रोजन होगा या ऑक्सीजन होगा, अगर यही एलिमेंट होते हैं तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन होता है ना, बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है, और इस स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को आप क्या बोलते हैं, H बॉन्डिंग, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए ज्यादा, जैसे मैंने ये एग्जांपल दिया, आप ये मान ले, ये वाला एक HF मान ले और ये वाला एक HF मान ले, राइट गाइस, समझ में आ रहा है आपको, आई होप समझ पा रहे होंगे आप. सो इसमें आप देखिए, ऑप्शन में H2O बिकॉज ऑफ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, क्या हाइड्रोजन बॉन्डिंग का देखिए एक ही ऑप्शन है. अब H2O, अब H2S है, H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, राइट गाइस, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कभी भी जो H2S में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती, बिकॉज फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन है तो ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो, इसके अलावा किसी में नहीं होती, राइट, सो आवर आंसर इज ए.